हाय फ्रेंड्स, रूस और यूक्रेन में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,00,000 से अधिक सैनिक, 8,000 टैंक और 36 स्क्वाडर मिसाइल को तैनात कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच ये संघर्ष कई महीनों से चल रहा है। ऐसे में कई देशों के एक्सपर्ट्स ने ये सलाह दी है कि अगर दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं है कि रूस यूक्रेन पर हमला करें। ऐसे में कई देश अपना अलग अलग गुट बना लेंगे अगर युद्ध छिड़ गया तो। रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन पर कब्जा करके यह दिखाना चाहते हैं कि हमने 30 साल पहले खोए हुए रूस के हिस्से को वापस अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि यूक्रेन खुद को एक स्वतंत्र देश मान चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि रूस और यूक्रेन की वजह से तीसरा विश्व युद्ध संभव है या नहीं? नीचे कमेंट ड्रॉप कर देना। वीडियो पसंद आए लाइक ठोक देना। सी यू अगेन।